हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरे नाम है फारूक और आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज आप सभी लोगों को दिखाएंगे और शेयर करेंगे कि कैसे आप लोगों का बाइक का जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है उसका एग्ज़ाम कैसे देती है, क्या क्या ट्रायल में करना पड़ता है, वो पूरा दिखाएंगे। हम लोग पहले एक वीडियो अपलोड किया था लर्नर लाइसेंस कैसे बनाता है, उसका क्या क्या एग्ज़ाम का क्वेश्चन आती है, वो पूरा डिटेल्स हम लोग एक वीडियो बनाया था। आई बटन में एक लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। आज आप सभी लोगों को दिखाएंगे RTO पर जाके एग्ज़ाम कैसे देती है, क्या क्या करना पड़ता है, वो पूरा दिखाएंगे। तो वैसे आप लोगों को पूरा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो ले जाना होगा RTO पर, और हाथ में आप लोगों का टाइम लेके जाना होगा। तो हमारे घर से हमारी RTO की दूरी 35 किलोमीटर से 1:30 से 3:30 इतना टाइम दिया गया है, उसका अंदर हम लोगों का जाना होगा RTO पे। तो इस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट आप लोगों के साथ मोटो ब्लॉगिंग मोड पे मिलता हूँ। तो चलिए गाइस, आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे ड्राइविंग लाइसेंस की टेस्ट होती है हुगली RTO में। तो अभी का टाइम हो रही है 10:58, मेरे घर से पड़ता है 35 किलोमीटर, 10 किलोमीटर हम लोग कवर कर लिया है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ वहाँ पे जाके क्या क्या होती है प्रोसेसिंग। और मैं पहले एक वीडियो अपलोड किया था, LL टेस्ट लर्निंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस पूरा क्या क्या होती है, वो आई बटन में आ रही है, आप लोग जाके चेक कर सकते हो वीडियो। और आज जो वीडियो बनाएंगे हुगली RTO में कैसे आप लोग RTO टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट दे सकती हो, उसी टाइम में हम लोग पहुंच जाएंगे RTO पे, वहां पे जाके आप लोगों को पूरा डिटेल्स बताएंगे। आप लोग सोच रहे हो कि मैं तो एंटॉर्क चलाता हूँ, दूसरा कोई किसका बाइक लेके जा रहा हूँ, ये मेरे पापा का बाइक है, सुपर स्प्लेंडर है, और इससे माइलेज बहुत मिलता है। और इसका रीज़न है मैं क्यों लेके जा रहा हूँ, इसका रीज़न है कि मेरा गियर वाला गाड़ी के लिए मैं अप्लाई किया हूँ ड्राइविंग लाइसेंस, उसीलिए मेरे पापा का गाड़ी लेके जा रहा हूँ, और यही है दूसरा बाइक ले जाने का रीज़न। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं हुगली RTO में, इतना भीड़ देख लीजिए। बाइक कहाँ पार्किंग करूँ, तो गाइस हमारी ड्राइविंग लाइसेंस की टेस्ट हो गई। थोड़ा सा वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, छुप छुप के वो शूट किया हूँ। यहाँ पे हो रही है ड्राइविंग टेस्ट, इतना लोग हैं, हम लोग लास्ट में किया। और चलिए घर जाते जाते आप लोगों को पूरा बताता हूँ। ये है बुद्धवाटी RTO ग्राउंड है। तो गाइस, आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जो लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो और ड्राइविंग टेस्ट देते हो, तो आप लोग फर्स्ट टाइम लेके आना। ड्राइविंग का एग्ज़ाम देने आएंगे तो आप लोगों को टाइम हाथ में लेके आना होगा। मैं सुबह का 11 बजे घर से निकल आता हूँ, अभी टाइम हो रही है 4:20, तो इतना टाइम लगेंगे, बहुत दौड़ झाप करना होगा आप लोगों का, ये पेपर लेके वहाँ पे, उसका साथ पेपर लेके वहाँ पे, ऐसा करना होगा। और यहाँ पे आके एग्ज़ाम देना होगा आपको। उसके बाद
तीन चार दिन के बाद आप लोगों का पोस्टल से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप लोगों के पास आ जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। आप लोग पास हो जाती है तो ड्राइविंग एग्ज़ाम में ऐसे ही तो कुछ लोचा है और कुछ नहीं है। आज सोचा था कि बहुत वीडियो बनाएंगे हमारी एंटोर के ऊपर, तो आज के लिए इतना। अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई बटन में लिंक आ रहा होगा कि एलएल टेस्ट का जो वीडियो है आई बटन में, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। लर्नर लाइसेंस का जो एग्ज़ाम होती है पूरा डिटेल्स वीडियो हम लोग बनाया हूँ, और इसी चैनल पर मॉडिफिकेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड होती है एंटॉर्क के ऊपर और ऑल बाइक के ऊपर। तो ऐसा ही कुछ वीडियो, आज का वीडियो कुछ अच्छा नहीं बना है मेरे को पता होगा, मैं जानती हूँ अच्छा वीडियो नहीं बना है। और हमारी जो उलान जी केस है हम लोग ले लिया हूँ, आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को नेक्स्ट टाइम अच्छा अच्छा वीडियो देने के लिए, और मेरे घर यहाँ से 35 किलोमीटर दूरी है तो डायरेक्ट घर जाता हूँ। यहाँ पे आज का वीडियो एंड करता हूँ। तो गाइस अच्छा लगे तो हमारी वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। हम लोग इसी चैनल पर मोटिवेशन रिलेटेड, मोटो ब्लॉगिंग रिलेटेड, ट्रैवलिंग रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।